नमस्कार, मैं खुश और आप देख रहे हैं खबरदार। क्या भारत में सीए लागू होने से मुस्लिम प्रवासियों पर लगेगा किसी प्रकार का प्रतिबंध? जानिए मोदी सरकार का जवाब। केंद्र सरकार की तरफ से जब से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए लागू किया गया है तब से ही इसे लेकर काफी विवाद हो रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को इससे लेकर आलोचना कर रही है। इस बीच सरकार ने एक बार फिर से कहा है कि सीए भारतीय मुस्लिमों की आजादी और उन्हें मिलने वाले मौके को कम नहीं करता है। सरकार ने ये भी कहा है कि दुनिया में कहीं से भी आने वाले मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता लेने पर कोई रोक नहीं है। दरअसल विपक्ष का कहना है कि सरकार सीए को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लाई है ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा सके। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सोमवार यानी 11 मार्च को सीए के नियमों को नोटिफाई किया। इस तरह सीए 2019 में पास होने के 4 साल बाद लागू हुआ। इसके तहत 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सरकार ने क्या जवाब दिया है? एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तहत आने वाले गृह मंत्रालय ने कहा, नागरिकता अधिनियम की धारा 6 के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमान भारतीय नागरिकता मांग सकते हैं। प्राकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता से जुड़ा हुआ है। मंत्रालय ने कहा, इस्लाम की अपने तौर तरीकों का पालन करने की वजह से इस्लामिक देशों यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए जाने वाले मुस्लिमों को मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोका जा सकता है। मंत्रालय ने आगे कहा, सीएए नेचुरलाइजेशन को रद्द नहीं करता है, इसलिए किसी भी विदेशी देश से आए मुस्लिम प्रवासियों सहित कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बनना चाहता है मौजूदा कानूनों के तहत इसके लिए आवेदन कर सकता है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भारतीय मुस्लिमों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीएए में उनकी नागरिकता पर असर डालने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसका वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास भी बाकी के नागरिकों की तरह ही अधिकार है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबरदार।